अच्छा मुझे बताएं कि इसी इसी को आगे बात लेके जाते हुए कि पार्क व्हील्स इन पार्क व्हील्स एक आप समझने की कोशिश ये करने चाहिए लोगों को कि इट्स अ वे पीपल हमने बेसिकली रिवोल्यूशनइज़ किया कि जिस तरह लोग गाड़ी खरीदते और बेचते हैं अब हमारे बचपन में लोग गाड़ी जब ख़रीदते थे तो एक अखबार आती थी फिर आप एक हाई लेटर लेते थे आप अखबार का एड ढूंढते थे फिर आप शाम को लोगों को कॉलें करते थे उनमें से आधी बिक गई होती थी, थी फिर पता लगता था कि वो तीन चार लाइनें थी मालिक मूल से बाहर जा रहा है लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल की भी बट दैट्स हाउ द वे ऑफ लाइफ दैट वो एट दैट टाइम वॉज और जब हमने इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया तो लोग हम पे हंसते थे कि पागल हो गए हो ऑनलाइन जो है गाड़ी कौन खरीदेगा एंड दिस इज बैक इन टू थाउजेंड थ्री टू थाउजेंड टू थ्री टू के जुलाई में शुरू हुआ था तो तब ना पाकिस्तान में थ्री जी फोर जी था ना आपके पास स्मार्टफोन का इनफ्लक्स था डायल -ब, डायल -ब था टी कर रहे था फोन <laughs> तो फोन उठा तो फोन जाता था, तो कट जाता वो जमाना था. और हमें लोग मिलते थे कि जी आप पागल हो गए आप ये क्या करने जा रहे हैं और फिर पाकिस्तान में भी अब तो गवर्नमेंट लेवल भी मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्स का बड़ा एक इज्जत है तो मुझे याद है हम यहाँ पे लोगों के पास जाते थे वो कहते थे आपकी औकात क्या है आप एक यूआरएल हैं और जनरली इन आर कंट्री मुझे लगता ही है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा गोरी चमड़ी से इम्प्रेस होते हैं जो अंग्रेज़ी बोलता हो वो कामयाब इंसान है मेरे जैसा आदमी जो उर्दू बोलता हो या जो शलवार कमीज पहनता हो उसको लोग कहते हैं यार ये बंदा ठीक नहीं है ये कोई कामयाब आदमी नहीं है तो ये एक मेरा ख्याल है डेकॉटमी है जिसको मैं तो अभी तक सॉल्व करने के उसमें नहीं हूँ लेकिन मैंने कोशिश ये की है एज एज इन पाकिल्स के तौर पर हमने जो प्रोडक्ट बनाई है